ब्रोकली को अगर आप ब्लांच करके या फिर हेल्दी वर्जन में बना के कोई डिश कंज्यूम करते हैं तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इंडियन ट्विस्ट वाली ब्रोकली की सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कश्यप्स किचन चैनल। आज हम बनाएंगे बेसन वाली ब्रोकली, जिसमें बेसन की लेयर बहुत अच्छी आती है ब्रोकली के ऊपर और मसाले भी बहुत कम जाते हैं इसमें। धीमी आंच पे बनी हुई ये ब्रोकली की सब्जी आपको बहुत पसंद आएगी। ये लंच बॉक्सेस के लिए भी आइडियल रेसिपी है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 500 ग्राम ब्रोकली चाहिए, जिसके पीसेस को मीडियम से थोड़ा सा बड़ा रखिए, इस तरह से देखिए। और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया मैंने। अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम किया है। यहाँ पे आप कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई और इसके साथ ही यहाँ पे जाएगा 1/2 छोटी चम्मच जीरा। दोनों को लो टू मीडियम फ्लेम के बीच अच्छी तरह से भून लेंगे। दोनों तेल में चटक जाए तो हार्डली आधे मिनट में ये भुन जाते हैं। तो यहाँ पे मिला लिया है अच्छी तरह से मैंने। जैसे ही ये दोनों भुन जाए इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन, लगभग 2 टेबलस्पून के करीब है। इस रेसिपी में लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, लगभग 10 सेकेंड के लिए भूनिए, हल्का सा इनका कलर चेंज होगा। ये देखिए लहसुन जैसे ही भून जाए इसमें ऐड करेंगे ब्रोकली के पीसेस और इसके साथ ही यहाँ पे सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 1/2 छोटी चम्मच ऐड किया है। अब मिला लेंगे और मिलाने के बाद हमें इसे लो फ्लेम कवर करना है। आप देखेंगे कि ब्रोकली काफ़ी मॉइस्चर रिलीज करता है, तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर कर देते हैं लगभग 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। तो लगभग 5 मिनट के बाद लीड हटा के चेक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने काफ़ी मॉइस्चर रिलीज़ किया है। ये देखिए इस रेसिपी में हमें ब्रोकली को ब्लांच करके ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। धीमी आंच पे पकी हुई ये ब्रोकली की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अब इस स्टेज पे इसमें सूखे मसाले डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और यहाँ पे ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस में सिर्फ 2 ही जाएंगे, इसके अलावा और कोई मसाला ऐड मत कीजिए। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से, ताकि सूखे मसाले का जो रॉ फ्लेवर है वो भी ख़त्म हो जाए और इसने जो मॉइस्चर रिलीज़ किया है वो भी पूरी तरह से सूख जाए। तो यहाँ पे कवर कर देते हैं और 2 मिनट हो चुका है यहाँ पे, अब चेक कर लेंगे। तो नीचे आपको बस तेल नज़र आएगा जब इसका पानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पूरी तरह से इसका पानी सूख चुका है और मसाले का जो कच्चा फ्लेवर था वो भी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ब्रोकली देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है लेकिन अंदर अभी भी कच्चा है, तो वो बाद में पक जाएगा। तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आप 500 ग्राम ब्रोकली की सब्ज़ी बना रहे हैं इस तरह से तो उसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून बेसन ऐड कीजिए। बस एक पतली सी लेयर उसके ऊपर आए, बस इतना ही। तो इसके लिए बेसन की क्वांटिटी कम रखेंगे। धीमी आँच पे इसे मिक्स कीजिए और एक एक ब्रोकली को अलग करते हुए हम फैला लेंगे ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी लेयर आए इनके ऊपर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकने में। अब तो इसी तरह से हम इसे लगभग 5 से 6 मिनट तक फ्लिप करते हुए लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि बेसन अच्छी तरह से भुन जाए। क्वांटिटी काफ़ी कम है बेसन की, तो बहुत जल्दी भुन भी जाता है वो और एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर आ जाती है ब्रोकली के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुका है इसे भूनते हुए और इस तरह से ब्रोकली का टेक्स्चर आएगा। देखने से बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगेगा आपको कि इसमें हमने बेसन ऐड किया है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट फील होगा। और अंदर से देखिए ये पूरी तरह से डन हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले इसमें ऐड करेंगे रफली चॉप किया हुआ हरी मिर्च। ये जस्ट फ्लेवर के लिए है, आप यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी खटास और टेंगी टेस्ट पसंद है तो यहाँ नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मिला लेंगे सबको और रेसिपी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे रोटी के साथ। तो ये देखिए लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल पकौड़े जैसी फीलिंग आएगी आपको। और यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ अंदर से ये कितना जूसी बना है। और ऊपर से देखिए बहुत ही अच्छी कोटिंग हुई है बेसन की। तो बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, लंच बॉक्सेस के लिए तो बहुत ही अच्छी है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कुक है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से, उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें।
मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।